कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं निकलो, उस मोबाइल तैयार रहती हो। कहाँ घूमने निकले? कोई जगह तो घूमने वाला जगह है वो? घूमने ही की जगह पे जा रहे हैं। अच्छा, वीडियो वीडियो ले लीजिएगा। अरे अभी तो तुम बंद कर लेना वीडियो। ये पानी बोतल आ गया। हाँ, चश्मा लिए ब्लैक वाला। ठीक है। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मेरी वाइफ ने इंसिस्ट किया कि उसे वीडियो बनाना है। सबसे पहले आप इनसे मिलिए, ये हमारे मित्र हैं मनोज कुमार। और हम लोग आज, चूंकि आज 15 नवंबर है, झारखंड स्थापना दिवस, तो हम लोग आज छुट्टी मनाने जा रहे थे, लेकिन ये चीज वाइफ को गवारा ना हुआ। उसने एक जो है टेंशन दे दिया कि कुछ वीडियो बना लीजिएगा मेरे लिए। हालांकि मैं कोई ब्लॉगर तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोग को वहाँ के कुछ दृश्य दिखाऊँगा। अभी हम लोग दरअसल जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने, अरुण कुमार सिंह से। वो मोहम्मदगंज के पास पोस्टेड है और वहाँ पे कुछ मनोरम दृश्य हैं जहाँ हम लोग सोचे कि छुट्टी का दिन हम लोग साथ में बिताएंगे। लेकिन अब एक और काम मिल गया, कोशिश करेंगे कि आप लोग को वहाँ का दृश्य कुछ दिखाएं। ठीक है, अभी हम लोग आ गए हैं भीम बराज। ये जो भीम बराज है ये कोयल नदी के ऊपर बना हुआ है और आपको हम बताना चाहेंगे कि यह झारखंड राज्य के पलामू और गढ़वा जिले को जोड़ती है। और ये बराज, इससे जो यहाँ से जो नहर निकला हुआ है वो आपको बिहार तक चला जाता है। अभी हम लोग के पास वक्त नहीं है चूंकि दोस्त वहाँ इंतजार कर रहा है और वहाँ से फिर हम लोग का इरादा है कहीं और जाने का। तुम क्यों हंस रहे हो चुपचाप, बोलो कुछ। और बाहर निकलते हैं। वो आगे में एक जो छोटा सा मंदिर नजर आ रहा है वहाँ पे, वो मंदिर वहीं पे धार्मिक आस्था है कि एक चूल्हा बना हुआ है 5000 साल पुराना। उसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि वो 5000 साल पुराना है और कहा जाता है कि वो अज्ञातवास के दौरान, महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान भीम वहीं पर जो है खाना बनाते थे और उन्हीं का चूल्हा है वो। और वहाँ पे पद चिन्हों का भी बहुत सारा निशान है, पद चिन्ह बने हुए हैं। अगर हम लोग को वक्त मिला तो हम लोग वहाँ कभी जाएंगे, लेकिन दोस्त इंतजार कर रहा है। काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ पर। यहाँ से जो नहर निकला हुआ है वो बिहार राज्य तक जाता है। यहीं पर चलते 2 मिनट पहले लोग जा रहे थे। अरे ड्रेस पहनने अभी आगे बढ़ गए थे, हम छतों पर आए। ये है हमारे मित्र अरुण कुमार सिंह और इन्हें से मिलने आज हम लोग आए थे। पता नहीं ये कहाँ कहाँ ले चलेंगे हम लोग को। कहाँ ले चलना है? एक झरना है, सतबाइनी झरना, पर्यटक स्थल है झारखंड का, तो वहीं हम लोग चलेंगे थोड़ा देर में। बहुत मनोरम सीन है वहाँ, बहुत मजा आएगा। अब हम लोग सतबहनी पर्यटक स्थल की ओर प्रस्थान कर गए हैं और शायद अब पहुँचने ही वाले हैं। मंदिर
तो ये सतबहनी का मुख्य मंदिर यही है सामने में, और उसके बगल में यह एक झरना है। इस मंदिर का पूरी तरह से इतिहास तो मैं नहीं जानता हूँ, शायद अरुण बाबू आप लोगों को कुछ बताएंगे। और बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छा लगता होगा ये, बरसात में। तो ये है सतबहनी का मुख्य मंदिर, और बगल में इसके एक झरना है। झरना में अभी बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बरसात का मौसम ख़त्म हो गया है इसलिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। बरसात में काफ़ी अच्छा लगता होगा इसमें। और ये इस तरह से हमको लगता है कि ये छठ घाट बनाया गया है। छठ घाट है क्या अरुण? छठ करने के लिए, छठ में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ। और ये मुख्य मंदिर का ये, वहाँ भी छठ घाट है, उधर भी छठ घाट। और ये मनोज जी अपना सेल्फी लेने में मशगूल हैं। कुल मिलाकर काफ़ी शांत माहौल में ये मंदिर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बरसात में इसमें पूरा पानी भर जाता होगा, और उसी को ध्यान रख करके इतने सारे रेलिंग्स ये बनाए गए हैं। काफ़ी दूर में ये छठ घाट बनाया गया है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे छठ में काफ़ी भीड़ होती होगी, और उस वक्त शायद पानी भी इसमें पानी रहता है। अरुण, पानी है ना? अच्छा, यहीं पे आकर के लोग ये स्नान करते होंगे, वहाँ उतर करके ये करते हैं। अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चल रहा है अभी वहाँ पे जो है। और ये सूर्य मंदिर, ये सब अब हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, क्योंकि बहुत थकान महसूस हो रही थी और वीडियो बनाना मेरा मकसद तो नहीं था। आप लोग जान ही रहे हैं कि किस मकसद से मैं बना रहा हूँ। पता नहीं मैं ठीक से बना भी पा रहा हूँ कि नहीं। पीपल, हम लोग का मकसद ये था कि आज छुट्टी के दिन हम लोग दो तीन दोस्त एक जगह बैठे हैं किसी पीसफुल जगह पे, और वहाँ पे मूंगफली खाएं, कुछ खाएं, चाय पिए, यही सब करें। अभी हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। पीपल जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और हम लोग अपने घर से भाग करके यहाँ बैठे हुए हैं। शांति का पर्याय है पीपल, और रियली बहुत शांति महसूस हो रही है यहाँ बैठने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। यही वजह है कि भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, हम लोग समझ सकते हैं बात को। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बचपन के तीन दोस्त हैं साथ में, माहौल बहुत शांत भरा माहौल है। अब दोस्तों का यह इरादा हुआ कि हम लोग यहाँ से निकलें और मोहम्मदगंज चलें। मोहम्मदगंज में भी एक धार्मिक स्थल है जो भीम चूल्हा के नाम से मशहूर है। वहाँ के धार्मिक महत्व के बारे में वहीं चल कर हम लोग बात करेंगे। चलते हैं यहाँ से। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, और यहीं बगल में
हम लोग बैठ कर के तपस्या कर रहे थे। अरुण बाबू थक गए हैं और मनोज तो खूब सेल्फी ले रहा है भाई। खूब सेल्फी ले रहा है। वहीं बगल में झरना का जो है क्या अरुण ठीक ठाक। अरे आधुनिक युग के ये तपस्वी हैं, पैर ऐसे नहीं रहता है। लीजिए, क्या सोच रहे हो वाइफ के बारे में? भगवान के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में। फिसलोगे मनोज वहां पे ढंग से, आराम से, आराम से। सेल्फी जो ना करा दे लोगों को। यही पानी मनोज खूब सेल्फी लिया है, इधर देखो खूब सेल्फी लिए हो। फिसल मत जा, सेल्फी के चक्कर में नीचे गिर मत जाना। देखियो गिरेगा भी तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, गिरेगा भी पानी नहीं है। देखिए, अरे बस हुआ बाबू। गुफा बहुत पुराना है, 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना है। देखिए सामने लिखा हुआ है फोटो है। और तो गुफा कहाँ तक मतलब इसका है ये दूरी? ये तो बोलते हैं लोग बहुत दूर है, बहुत मतलब लंबा है, तो चारों ही नहीं है तो क्या बताया जाए। बंद है बोले तो सामने से चालू है, बंद बन गया, बंद कर दिया। यहाँ पे भोले बाबा तो मूर्ति भी मिला था, यहाँ ये बंद है, यहीं से भोले बाबा का गुफा है। जैसे यह नहीं समाधि है, नीचे 3 तला चालू है, उससे नीचे भी 4 तला है, 7 तला है। इसमें कोई अंदर जाते हैं? हाँ पूजा होता है, समाधि से परेशान रखा जाता है, लाइट जलता है अंदर में। हम लोग जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। तीन ऐसे 3 तला चालू है, बाकी 4 तला नीचे बंद है। 4 तला नीचे भी है इसके अंदर? 3 तला अभी भी मतलब जा सकते हैं हम लोग, 3 तला के बाद। सबसे पुराना यही है यहाँ पे। और वो जो मुख्य मंदिर जो है वो कब स्थापित हुआ? वो भी बहुत पुराना है, वही पुराना है। इनके बाद वही है सतबहिनी माता मंदिर, वही था उससे बाद ऐसा मंदिर का निर्माण हुआ। वहाँ पे हमने छोटी सी मूर्ति वही सतबहिनी माता है। ये 3 मंजिला है और इसके बाद भी 3 मंजिला है। तो हमारे दोनों मित्र अरुण सिंह और मनोज कुमार अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप पूजा भी किए और वहाँ पे पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या मांगा है। अपने साथ सभी दोस्तों की तरक्की
यही बस भगवान से मन्नत मांगा हूँ। अब हम लोग फिर से वापस भीम बराज पे आ गए हैं जो कि पलामू और गढ़वा जिले को जोड़ती है, और अब यहीं पे नजदीक में वो वहाँ मंदिर दिखाओ ना जी, वही मंदिर भीम चूल्हा उसको कहते हैं लोकल, और ये मान्यता है कि यहाँ पे अज्ञातवास के समय भीम अर्जुन पांचों पांडव यहाँ निवास किए हैं, और वहाँ चलने के बाद उनका पैर का निशान भी है पत्थर पर, और जिस कढ़ाई में उन लोग खाना बनाए हैं वो कढ़ाई का भी प्रतीक है यहाँ पे, ऐसी मान्यता है। ये भी एक छोटा मोटा पर्यटक स्थल है। और अब हम लोग पहुँच रहे हैं कुछ ही क्षण के बाद भीम चूल्हा। ये हैं पांच पांडव, पांच पांडव के साथ द्रौपदी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अज्ञातवास के समय ये पांचों भाई इस जगह पर कुछ क्षण बिताए, कुछ दिन रहे थे, ठहरे थे, और उन्हीं के याद में ये मूर्ति आप देख रहे हैं। पांच भाई और साथ में अर्जुन ये है, भीम ये है, और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। युधिष्ठिर तो सत्यवादी थे, बड़ा भाई थे। ये जब अज्ञातवास में अज्ञातवास इनका चल रहा था तो कुछ दिन इधर भी बिताए थे। पहले जमाने में बहुत घनघोर जंगल रहा होगा क्योंकि अज्ञातवास में कोई उनको जाने नहीं, ऐसी व्यवस्था करना पड़ता था। तो बाकी यहाँ कुछ दिन अज्ञातवास में अपना तलवारबाजी में सहदेव, नकुल अर्जुन धनुर्धर अर्जुन यह भीम जी का पद चिन्ह, पैर का निशान, और अर्जुन जी का, उसके बाद है पांचों भाई का पैर का निशान। यह अर्जुन धनुर्धर अर्जुन जी का पैर का निशान, ये है तलवारबाजी में निपुण नकुल का पैर का निशान। पांचों भाई यहाँ आते थे ना, तो उन्हीं का पैर का निशान। और ये है घोड़ा का, घोड़ा का जो पद चिन्ह है जिस उसका निशान चलते थे। और ये है माता कुंती के पद चिन्ह का निशान। द्रौपदी नहीं है, माता कुंती है। माता के साथ इन लोग को अज्ञातवास 12 साल के दिया गया था, हम मैंने राजपाट के चक्कर में 12 साल अज्ञातवास आप बिताइएगा तब आपको हिस्सा दिया जाएगा। तो 12 साल अज्ञातवास बिताने के क्रम में जो मूर्ति जो है वो द्रौपदी की, द्रौपदी का नहीं है, माता कुंती का है। कुंती के साथ इनको 12 साल अज्ञातवास बिताना था तब इनको राजपाट में हिस्सेदारी मिली। तो अज्ञातवास में ऐसा था उस समय में कि कोई आपको पहचाने नहीं, इसलिए छुप के रहना पड़ता था।
तो वही स्थिति में कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ झारखंड का ही उस जमाने में, और हस्तिनापुर आज का दिल्ली, आज का दिल्ली, तो वहाँ से भटक के लोग यहाँ आए ताकि कोई इनको पहचाने नहीं, और इस तरह इनको 12 साल गुजारना था। वही दरमियान कुछ दिन यहाँ लोग ठहरे, पांचों भाई और माता कुंती के साथ यहाँ ठहरे अज्ञातवास। अब ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। मैंने शुरू में ही आप लोग को बता दिया था कि मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, और जैसा भी लगा होगा आपको वीडियो, आप कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और हमारे दोनों दोस्त बहुत खुश हैं कि आज के इस छुट्टी के दिन का इन्होंने सदुपयोग किया, मस्ती के साथ साथ इन्होंने धार्मिक स्थलों की जो है और अपने मन्नतों को भी कुछ मांगा ही होगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। थैंक यू।